गौतम बुद्ध के एक शिष्य की कहानी। गौतम बुद्ध के मठ का एक नियम था कि उनका कोई शिष्य जब कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है तब उससे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना को जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाना है। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यहीं पर समय बिताऊं। ये बात सुनकर वह शिष्य चिर गया और कहने लग गया कि गुरुदेव आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा के उस गांव में चला गया और शाम को जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति ने सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको, इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं वहां जाकर ज्ञान देकर आता हूं। गौतम बुद्ध ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, और कहा कि ठीक है अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि वहां क्या हुआ था? तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीनन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आपने मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वहां से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया वहां से जड़ी बूटी लाने के लिए, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहां लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गाँव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो सभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आना, गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो है लेकिन वो अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध की चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैंने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खा कर चला आया, और मार तो इन्होंने भी खाए लेकिन उनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढाल कर उन लोगों तक पहुँचाना होगा। गौतम बुद्ध ने इस कहानी से क्या सिखाया सुने? अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गोडिया TV को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।